हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन एरोटेक इंडिया। आज हम एक नया प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जिसका टॉपिक है स्मार्ट फोर स्टेप एनर्जी जनरेशन एंड मोबाइल चार्जिंग वाया सिक्योरिटी। इस प्रोजेक्ट के साथ आपको मिलता है फूड डिटेक्टर, तो इस पे जब आप पैर रखेंगे तो ये एनर्जी जनरेट करेगा और ट्रांसमिट होगा हमारे प्रोजेक्ट के मदरबोर्ड को, और मदरबोर्ड इस वोल्टेज को मेज़र करेगा और आपके डिस्प्ले पे शो करेगा और बैटरी को चार्ज करेगा। तो चलिए प्रोजेक्ट को ऑन करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट ऑन हो गया है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नोटिफाई करेगा प्लीज़ स्कैन टू रजिस्टर यूज़र। सो चलिए पहले आपको ये दिखा देते हैं कि फूड स्टेप को डिटेक्ट करके एनर्जी कैसे जनरेट होगी। ये देख सकते हैं आप, जैसे ही फूड पड़ेगा ये LED ब्लिंक करेगी और आपके स्क्रीन पर वोल्टेज शो करेगा। तो चलिए फिर से एक बार आपको करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं स्टेप काउंट 2 और वोल्टेज की वैल्यू नीचे आपको शो करेगा। एक बार चलिए फिर से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। आप देख सकते हैं वोल्टेज 9.06 वोल्ट। सो इस तरह से ये पैर को डिटेक्ट करेगा। चलिए इस पे पैर से डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही फूड स्टेप डिटेक्ट करता है LED ग्लो करने लग जाती है, और जितनी बार इस पे फूड पड़ेगा यहाँ पे फूड काउंट भी करेगा और वोल्टेज की वैल्यू भी शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप काउंट 9 एंड वोल्टेज 6.89। सो आपको यहाँ पे सारा, तो दोस्तों ये तो आपने देखा फूड स्टेप को कैसे काउंट करता है और एनर्जी कैसे जनरेट होती है। अब चलिए फूड स्टेप से जो एनर्जी जनरेट होती है वो ट्रांसमिट होती है हमारे Arduino को, और Arduino इसको चार्जिंग सर्किट पे सेंड करता है और बैटरी हमारी इससे चार्ज होती है। अब बैटरी हमारी इससे चार्ज हो गई तो बैटरी को यूटिलाइज़ करने के लिए हमने इसमें एक सिस्टम लगाया है, मोबाइल चार्जिंग का सिस्टम। सो जब आप प्रोजेक्ट को ऑन करेंगे तो डिस्प्ले पे आपको नोटिफाई करेगा कि रजिस्टर यूज़र, जो भी रजिस्टर आप यूज़र यहाँ पे होंगे वही वो अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं ये RFID टैग के थ्रू। तो चलिए रजिस्टर करते हैं यूज़र को। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने RFID रीडर लगा रखा है, और जैसे ही मैं यूज़र को रजिस्टर करूँगा ये LCD पे डिस्प्ले करेगा। तो आप देख सकते हैं यूज़र रजिस्टर। चलिए दूसरा यूज़र रजिस्टर करते हैं। यूज़र रजिस्टर्ड। जब आप यूज़र को रजिस्टर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 5 मिनट की चार्जिंग मिलेगी, और यहाँ पे दो मैंने स्विच लगा रखा है। अगर आप अपने कार्ड को रिचार्ज करना चाहते हैं तो इस स्विच के थ्रू आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा फ़ोन एंड डेटा केबल जिसके थ्रू हम फ़ोन को चार्ज करेंगे। अब चलिए डेटा केबल को फ़ोन से कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा केबल कनेक्ट हो गया है, और चार्जिंग केबल को हम कनेक्ट करते हैं USB जैक में। यहाँ पे मैंने प्लेस कर रखा है और आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन कनेक्ट हो गया है। फ़ोन को रखते हैं और प्रोजेक्ट के पास ताकि आपको चार्जिंग दिख सके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे नोटिफाई करेगा कनेक्ट चार्जर एंड स्कैन कार्ड। तो चार्जर हमारा कनेक्ट हो गया है और कार्ड को स्कैन करते हैं। चलिए पहले यूज़र को चेक करवाते हैं। एज यू कैन सी चार्जिंग हमारी ऑन हो गई है, इसमें आप देख सकते हैं चार्जिंग स्काइप भी हो गया है, और फोन पे आप देख सकते हैं फोन इंडिकेटिंग चार्जिंग ऑफ फोन हैज बीन स्टार्टेड। बाई डिफ़ॉल्ट जब आप यूज़र कार्ड को रजिस्टर करेगा तो उसको 5 मिनट की चार्जिंग मिलेगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सेकेंड थिंग, अब जैसे यूज़र
अपना चार्जिंग इंटरप्ट करना चाहता है तो यहाँ पे मैंने दो स्विच लगा रखे हैं, आप यहाँ पे स्विच को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं चार्जिंग आपकी ऑफ हो गई और डिस्प्ले पे अगेन नोटिफाई करेगा करेंट चार्जर एंड स्कैन।